दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और आज के जो है लगभग सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एमपी की शिक्षक भर्ती हो या फिर केबी की, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है इसमें बिहार भर्ती में शर्त ना होने से बच गए हैं बीएड वाले छात्र। तो यहाँ पर भी ये जो है इन पर भी तलवार लटक सकती है जो है अभी। और जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है कि केंद्रीय विद्यालय एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए। और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटीईटी में जो है पास अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्र भी जो है वो रद्द कर दिया गया है। कक्षा एक से लेकर जो है पाँचवीं तक के सरकारी स्कूलों की जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हजारों जो है बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सपनों पर जो है पानी फेर चुका है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों से विज्ञापन में शर्त जो थी कि बीएड अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के जो है न्यायालय के बाद ही इसमें अंतिम जो निर्णय होगा वो कोर्ट करेगा। कोर्ट का निर्णय आ चुका, आप सभी को पता है कि सीईटी में जो है पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी जो है वो रद्दी हो चुका है। सीबीएसई ने जो दिसंबर 2022 में जो आयोजित जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी और प्राथमिक स्तर पर जो कराई गई थी, अवैध रूप से जो है कोर्ट ने कह दिया है कि साफ कह दिया, जिन बीएड ने प्राथमिक स्तर का सीटीईटी पास कर चुके हैं उनके लिए प्रमाण पत्र जो है कागज़ के टुकड़े की तरह रद्दी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं ये। और जब जो है बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं, इन्होंने बोला कि हम जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर टीजीडी पीजीडी में जो है मांगे ज़्यादा पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज में जो है लड़के बता रहे हैं कि जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए जाने के जो है के बाद बीएड प्रशिक्षित ने जो है प्रशिक्षित स्नातक टीजीडी एवं प्रवक्ता के अधिक पदों पर जो मांग की गई। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड पर जो है भराए गए फार्मों की संख्या जो थी वो कम से कम 4163 थी, तो इसमें बहुत कम है अध्याचन। तो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी इसमें जो है सीटें होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड जो है डिग्री बांट रहे हैं। ठीक है, औचित्य है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विज्ञापन निकालना चाहिए इनको जो है। और नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के प्रसिद्धीय स्कूलों में होगी हिंदी में पढ़ाई। यहाँ पर लिखा हुआ अब हिंदी मीडियम पढ़ाई होगी। अब तक जो है किताबें इसमें पूरी नहीं पहुँची हैं, अब हिंदी मीडियम से यहाँ पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें जो है आरआरसी रेलवे के अंतर्गत जो है 2019 में जो है ग्रुप डी की जो है परीक्षा इसी जो है महीने चौथे पैनल जारी कर दिया गया। 31 अगस्त से जो है पहले आ जाएगा चौथा पैनल। यहाँ पर लिखा हुआ पांचवा पैनल भी गठित जो है करेगा आरआरसी, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है पाँचवा पैनल भी गठित करेगा। और 14 अगस्त से जो है शुरू होगी पैनल गठन की। इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है बोल दिया गया पैनल गठन कराया जाएगा। लगभग आज के जो है सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, सीटेट का जो है प्रमाण पत्र रद्दी हो चुका है इनके लिए। एक चीज़ और यहाँ पे जो है आपको अवगत करा दें, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विज्ञापन संख्या इतने में अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है बोला गया है जो है 10 अगस्त से जो है इसमें थे, तो उसको फोटो अपलोड अगर आपने नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। और 26 अगस्त इसमें लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई, 26 अगस्त 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो अपलोड नहीं, सिग्नेचर नहीं है तो आप कर सकते हैं, एक छूट आपको जो है इसमें दे दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की ओर, चकबंदी के जो है 3050 कर्मी जो है राजस्व विभाग में आएंगे। समय से जो है सेवा देने और समस्याओं के निस्तारण के जो है लिए वैकल्पिक कदम उठाया गया है और 500 बंदीकर्ता इसमें होंगे। और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि भूमि से जो है जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण व जो सेवाओं से हमें जो उपलब्ध कराने के लिए चकबंदी के जो है 3050 कर्मियाँ जो राजस्व इसमें तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है वैकल्प व्यवस्था में लेखपाल, चकबंदीकर्ता ये सब जो है इसमें मिक्स कर दिए गए हैं 3050। और यहाँ पर भी जो है बताया गया इसमें जो है कि यहाँ पर जो है राजस्व जो है लेखपाल के जो लगभग 30,837 पद हैं, जिसमें करीब 14 साल रिक्त जो है इसमें 14,000 रिक्त पद हैं, 8,000 पदों पर इसमें कार्रवाई चल रही है अभी लेखपालों की। ठीक है, जब तक नहीं है तब तक इनको राजस्व को जो है भेज दिया जाएगा चकबंदी लेखपाल में, भूमि को निस्तारण के लिए आय जाति निवास के लिए। ठीक है,
और नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे। इसमें जो फिर फंसा डाटा का पेज, घनचक्कर बने अभ्यर्थी, कृषि प्राविधिक सहायक के जो है 3436 पदों पर जो है शुरू नहीं हो पा रही है भर्ती। तो यहाँ पर मैं एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है 3436 पदों पर जो भर्ती आई थी UPSC की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो है वो सही इसमें शुरू नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर बता दें कि इसमें कृषि प्राविधिक सहायक के जो है 3436 पदों पर भर्ती नहीं शुरू हो पा रही है। नेक्स्ट अपडेट की ओर, पढ़ाई के साथ जो है कमाई भी करेंगे प्रदेश के MSc नर्सिंग के छात्र, मतलब जो अभी ये पढ़ाई भी करेंगे साथ में इनको मानदेय मिलेगा 15,000 रुपये। यहाँ पर लिखा हुआ फैकल्टी के रूप में गिने जाएंगे, 15,000 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने, प्रदेश सरकार ने जो है बोल दिया गया कि MSc नर्सिंग करने वाले छात्र जो हैं 15,000 रुपये उनको मिलेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बता दिया गया यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मॉडल जो है भर में जो है देश भर में खुलेंगे कॉलेज, यहाँ पर भी बोल दिया गया है ये। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है एक अंक विवाद में हाईकोर्ट सख्त है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जो अवमान्य मामला जो है, मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का मौका दिया गया। कहा गया कि इसमें अनुपालन का जो है अल्पनामा दाखिल करने पर जो है दोनों अधिकारियों को पेश होना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक जब जुड़ चुका है और साथ में 6800 की जो है मेरिट इसमें लगी हुई है, इसमें जो है छात्र बाहर वाले अंदर, अंदर वाले बाहर इसमें होंगे। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए जो है कल से भरे जाएंगे फॉर्म, और ये वाले फॉर्म जो होंगे वो आपके CBSE ने 2024 में होने वाली जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया। आप 14 अगस्त तक जो है इसके अंदर फॉर्म आप ये भर सकते हैं। क्लर्क भर्ती जो इस समय पुरानी वाली सरकारी वाली जो है वो चल रही थी, तो इसमें जो है मैंने आपको बोला था, मैंने कई सारे अधिकारियों से वार्तालाप की है, उन्होंने बताया है कि सर जब तक कोई आयोग नया नहीं बनने वाला तब तक कोई आगे भर्ती प्रक्रिया कुछ नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती भी जो है नई आयोग से हो रही है। अभी जो वो एग्ज़ाम कराया जाएगा इसके बाद वही, तो वही चीज़ क्या है उसमें अभी टाइपिंग टेस्ट फंसा हुआ है, टाइपिंग के बाद जो है अभी आपका जो इसमें इंटरव्यू कराया जाएगा इसके बाद ही होगा। इसी तरीके से जो है इसमें आपकी चपरासी भर्ती, सर मिर्ज़ापुर में चपरासी भर्ती कब तक आएगी, बहुत जल्द ही कुछ ज़िले रह चुके हैं, मऊ में कब तक लगेगी चपरासी भर्ती, ठीक है और भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी बताया गया। पर हाँ इन्होंने एक कमेंट किया हुआ है कि सर सरकारी चपरासी भर्ती कब होगी, यहाँ पर एक कमेंट ये आया कि 14 तारीख को मेरे दोस्त का इंटरव्यू है अलीगढ़ में, लखनऊ, मतलब अलीगढ़ वाले जो हैं, मैंने आपको बोला अलीगढ़ से अगर आपने फॉर्म भरा तो 100% आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है अलीगढ़ में जो है, इतना जल्दी इंटरव्यू हो गया है। पर मऊ डिस्ट्रिक्ट को बाद में शुरू करा जाएगा, पर ये लखनऊ में हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया गया है अलीगढ़ वाले 14 तारीख को आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास कॉल भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन की भर्ती आपका से निकलना जाए, कोई सूचना है आपके छूटना, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।